your sir Zain Khan. Today we are going to study 15th lesson of EVS of the third standard, that is reduce pollution and save the environment. That means इसका मतलब है कि हमको जो प्रदूषण है प्रदूषण को हम लोगों को कम करना है और अपने वातावरण को हमको सुधारना है. अब हमारा ये जो वातावरण है ये तीन चीज़ों से प्रदूषित होता है. कौन सी तीन चीज़ें हैं वो? एक तो वायु प्रदूषण, एक जल प्रदूषण और एक ध्वनि प्रदूषण. ठीक है, बट यहाँ पे इस लेसन में हम लोगों को तीन ये दिया गया है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग वेस्ट मटेरियल जो है गंदगी जो है पानी के अंदर डालते हैं. पानी में डालने से वो कचरा वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें पानी में डालते हैं तो उससे वो पानी जो है प्रदूषित हो जाता है. उससे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग हमारे में जानवरों को और कुछ ह्यूमन बॉडीज को हम लोग इनको जैसे नदी में या कहाँ पर हम बहा देते हैं, कोई जानवर मर जाता है हम उसको बहा देते हैं तो ये पानी को प्रदूषित करता है और वो हमारे पीने लायक नहीं रहता है. दूसरा है हमारा एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन जो है वो क्या होता है कि जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें से जो खराब धुआं जो आपने देखा होगा चिमनी के ऊपर में से धुआं निकलता है वो है, और जो गाड़ियां जो रोड पे चलती है गाड़ियां बसें और ट्रक वगैरह जो चलते हैं उनमें से जो धुआं निकलता है ये क्या करता है कि ये पूरे एयर को पल्यूट कर देता है यानी प्रदूषित कर देता है. तीसरा है सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है कि हम जैसे प्लास्टिक, इसमें दो तरह के होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन. एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल मतलब वो मट्टी के साथ में मिल जाएगा, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि मट्टी के साथ ना मिलकर उस मट्टी में रह जाता है और वो उसको प्रदूषित करता है. प्रदूषित माने मिट्टी को क्या होता है फिर उसमें पेड़ पौधे नहीं उगते, वो मिट्टी एकदम शुद्ध नहीं रहती है, और जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये ज़मीन के अंदर भले से रह जाएगी पर ये पिघलती नहीं है और मिट्टी के साथ मिलती नहीं है. और दूसरी जो चीज़ें होती है बायोडिग्रेडेबल वो क्या होता है कि वो मिट्टी के साथ मिल जाती है, तो हमारे खेती वेती करने में इसमें सारी चीज़ों में वो हमारे को नुकसान पहुँचाती है. तो इस लेसन